चुड़ैल माँ बेटी की बिरयानी। रामगढ़ नाम के गांव में सोनम बड़ी मुश्किलों से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कम पैसों में भी सेठानी के घर ज्यादा काम करती थी। तभी सुबह दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं तो सोनम की बेटी माला कहती है, माँ आज मुझे स्कूल की फीस भरनी है, आप पैसे लाई हो ना? कल आपसे बोला था मैंने। बेटा मालकिन से मैंने पैसे मांगे थे, उन्होंने नहीं दिया, आज मैं पक्का मांग कर लाऊंगी। माँ मुझे 10 रुपए दो ना, स्कूल में जाकर चीज खानी है। बेटा कल ले जाइयो, आज रहने दे, अभी पैसे नहीं है, राशन भी खत्म हो गया है। इस तरह सोनम दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ देती है और अपनी झाड़ू पोछा करने मालकिन सलोनी के घर पहुंच जाती है। घर का सारा काम करके वो मालकिन से पैसे मांगती है तो मालकिन उसे कुछ पैसे देकर चालाकी से घर से निकाल देती है। रोते हुए सोनम अपने बचे हुए पैसे लेकर अपने बच्चों के पास घर आ जाती है। माँ आपको पैसे मिले आंटी से? मुझे कल स्कूल में जमा कराने ही होंगे। हाँ बेटा मैं पैसे ले आई हूँ, कल स्कूल में जमा करा दूंगी। मामा मुझे कुल्फी खानी है, बाहर कुल्फी वाले अंकल आए हैं। चिंटू की बात सुनकर सोनम उसे कुल्फी खाने के पैसे दे देती है और फिर हिसाब लगाकर कहती है, ये दोनों बच्चों की फीस के पैसे निकाल दिए, किराया भी निकाल दिया, अरे ये क्या, अब तो पैसे ही नहीं बचे, राशन लाना बाकी था और इतने पैसों में तो सिर्फ आज रात का ही दाल चावल आ सकता है, अब क्या होगा, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। रात को सोनम अपने बच्चों को खाना बनाकर खिला देती है मगर खुद नहीं खाती, क्योंकि अपने हिस्से का खाना वो अगले दिन बनाती है। आज के खाने में तो पानी मिलाकर खिला दूंगी, लेकिन कल का क्या। माला चिंटू आओ बच्चों खाना खा लो। आ गए। माँ आज क्या बनाया है आपने? बेटा जैसा भी है खा लो, क्योंकि राशन खत्म हो गया है। अरे माँ आप भी खा लो, मैं जानती हूँ रात को भी आपने कुछ नहीं खाया हमारी वजह से। हाँ बच्चों मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊं, इधर उधर काम नहीं मिल रहा मुझे। आप ऐसे निराश मत हो। अरे माँ एक आइडिया है, आप बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हो ना, ऐसा करो आप बिरयानी बनाकर ही बेचो, क्या पता हमारी आमदनी अच्छी हो जाए। माला तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है पर उसके लिए भी पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे। सोनम अपने बच्चों से बात कर ही रही थी कि तभी उसका भाई रमेश आ जाता है जो उसकी बात सुनकर पैसे देने की बात करता है। दीदी पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना आपका भाई, मैं दूंगा। अरे रमेश तू अचानक कैसे, और मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती हूँ, तू छोटा है मुझसे। दीदी इन सब बातों को मत सोचो, और जहाँ तक पैसे की बात है, अगर मेरे 2 पैसे लगाने से आपके 10 पैसे आते हैं तो मुझे बाद में लौटा देना, आप कम से कम आप खुद तो आत्मनिर्भर हो जाओगे। माँ मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उनकी बात मान लो। ठीक है रमेश, लेकिन मैं 2 महीने में ही तेरे पैसे लौटा दूंगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिरयानी कहाँ बेचूंगी। मेरे स्कूल के बाहर ही आप बिरयानी का ठेला लगा लेना, वहाँ सामने कंस्ट्रक्शन के मजदूर भी बिरयानी खाएंगे और उनके बच्चे भी। बेटा तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इससे आमदनी भी अच्छी होगी। कुछ देर बात करके और अपनी बहन को पैसे देकर रमेश चला जाता है। अगले दिन से सोनम माला के स्कूल के बाहर बिरयानी बेचने लगती है, जहां दोपहर के समय स्कूल के बच्चे और मजदूर सभी उसकी बिरयानी खाते हैं। आंटी आपके बिरयानी वैसे तो बहुत खुशबू आ रही है, जरा मुझे एक प्लेट देना। हाँ हाँ लो बेटा। अरे जरा मुझे भी यही एक प्लेट बिरयानी देना। जी लीजिए। अरे वाह तुम्हारी बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसे तो मैंने कभी भी नहीं बनाई, ऐसा करो 2 प्लेट और दे दो। पहले दिन ही सोनम के हाथ की बिरयानी खाकर उसके ठेले पर काफी भीड़ जमा हो जाती है और शाम होने से पहले ही उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है। वक्त बीतता है, देखते ही देखते सोनम के हालात सुधर जाते हैं और अपनी बिरयानी के लिए वो बहुत मशहूर हो जाती है। साथ ही स्कूल से आने के बाद माला भी बिरयानी बेचने में हाथ बटाया करती थी। एक शाम सोनम पैसे गिनते हुए कहती है, मुझे हैरानी होती है कि मैंने 1000 रुपए से शुरू किया था और आज मैं 15000 रुपए कमाती हूँ। मेरे भाई को मैं दुगने पैसे लौटा दूंगी और इन पैसों से अपने बच्चों का भविष्य सजाऊंगी। अगले दिन भी दोनों खूब बिरयानी बेचती हैं। शाम को सारी बिरयानी खत्म हो जाती है तो माला कहती है, माँ आज भी बहुत बिक्री हुई है, आप इन पैसों से क्या करोगे? ये पैसे तेरे और चिंटू के लिए ही तो जमा कर रही हूँ मैं। दोनों बात करते हुए आ ही रही थी कि इतने में एक बड़ा सा ट्रक उन दोनों को कुचल देता है। उसी वक्त दोनों अपना दम तोड़ देती हैं और अधूरी इच्छा होने की वजह से चुड़ैल बन जाती हैं। अपनी लाश को यूं देखकर दोनों कहती हैं, ये क्या हम दोनों मर गए, अब मेरे चिंटू किसके सहारे रहेगा, कौन उसकी देखरेख करेगा। माँ अब क्या होगा,
अगर हमने बिरयानी बेचना बंद कर दिया तो खर्चा कैसे चलेगा? हमें अपने लिए नहीं तो चिंटू के भविष्य के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। अभी वो सिर्फ 15 साल का है। तू चिंता मत कर माला, हम दोनों अपना रूप बदलकर चिंटू के पास रहेंगे। इस तरह दोनों अपना इंसानी रूप लेकर चिंटू के पास चले जाते हैं। तभी चिंटू कहता है, अरे माँ आप आ गई। आपको पता है कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे डर लग रहा था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटा, अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ बेटी दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और झटके से वो चिंटू को गले लगा लेते हैं। अगले दिन से दोनों चुड़ैल माँ बेटी रूप बदलकर फिर से बिरयानी बेचने लगती हैं। उनकी बिरयानी बेचने का काम चौगुनी उन्नति से चलता है। तभी उनके पास भीमा आता है। अजी जरा 2 प्लेट बिरयानी पैक कर दीजिए। ये लीजिए, पैक हो गया जी। मुझे भी 2 प्लेट पैक कर दीजिए। ये लीजिए पैसे। ओनो, पैसे गिर गए। जैसे वो औरत पैसे उठाती है तो नीचे उसे उन दोनों माँ बेटी के उल्टे पाँव नजर आते हैं, जिसे देखकर वो डर कर भाग जाती हैं। अरे अरे क्या हुआ, आप सामान लेना तो भूल गई, कहाँ जा रही हैं आप? कश्मीरा उनके उल्टे पैरों को देखकर भाग जाती है। शाम को जब वो वापस घर आती हैं तो चिंटू और रमेश को एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देख लेती हैं। अरे रमेश तू आ गया? हाँ दीदी, देखने आया था आपका काम ठीक से चला या नहीं। पैसों की दिक्कत तो नहीं है अब? नहीं रमेश, अच्छा है तूने मेरी मदद करी, जब से अच्छा काम चल रहा है। अच्छा दीदी, अपने हाथ की बिरयानी तो खिलाओ मुझे। इस तरह दोनों रसोई में जाकर उसके लिए बिरयानी बनाते हैं। तभी माला कहती है, अरे माँ इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, अपने असली रूप में आकर चट से बिरयानी बना दो ना। हाँ ये सही कहा तूने। ये बोलते ही दोनों अपने चुड़ैल रूप में आकर बिरयानी झट से बनाती हैं और झट से सर्व करके बाहर लेकर आती हैं। तो चिंटू रमेश दोनों को चुड़ैल रूप में देख लेते हैं। दीदी आप चुड़ैल, कैसे, कब हुआ, और माला तू भी? अपने भाई की बात सुनकर चुड़ैल उसे सारी आप बीती बता देती है, जिसके बाद वो कहता है, दीदी इतना सब हो गया और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या बताती, चिंटू के भविष्य का ख्याल जो था मुझे। दीदी एक बार मुझसे तो कहती, और मामा का मतलब 2 माँ होता है और मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों गई? चिंटू सब हमारे हाथ में नहीं होता, विधि का विधान होकर ही रहता है। रमेश ये तेरे पैसे और आज तक की सारी जमा पूंजी, इनसे तो चिंटू के भविष्य में लगा देना तू, और उसका ख्याल रखना। मैं अपनी सारी चिंताएं जिम्मेदारी तुझे देकर जा रही हूँ, अब हम दोनों को चलना होगा। ऐसा कहकर दोनों हमेशा के लिए चली जाती हैं। प्रेग्नेंट औरत का भूतिया बच्चा। आज अमावस की काली रात है, जाओ और जाकर कुंवारी लड़कियों को लेकर आओ, ताकि शैतान को उसकी बलि चढ़ाकर हम इस पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। जो हुकुम मेरे आका। खूंखार गुफा के अंदर चारों तरफ कंकालों की खोपड़ी, हड्डियां और बोटियां बिखरी पड़ी थी, और बरगद का एक पेड़ जिस पर अनेकों लड़कियों की लाशें टंगी हुई थी। तांत्रिक का हुक्म मानकर चुड़ैल गांव का रुख करती है और कहती है, गांव वालों आ रही हूं मैं तुम्हारी मौत बनकर। चुड़ैल की हड़कंप से आसमान का नीला रंग खूनी लाल हो जाता है, और रात में आसमान में शोर मचा रहे परिंदे जमीन पर गिरकर मरने लगते हैं, और चुड़ैल के गांव में कदम रखते ही खूंटे से बंधे सभी जानवर जोर जोर से पागुर करते हुए गुहार लगाने लगते हैं कि चुड़ैल कहती है, अरे ये बेजुबान जानवर कितना शोर मचा रहे हैं, इन्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या? चुड़ैल सभी की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है, और जैसे ही गौरी रश्मि बाहर आती हैं, चुड़ैल कहती है, क्या बात है, शिकार खुद चलकर सामने से मेरे पास आ रहा है, अच्छा है। चुड़ैल को देखकर उन दोनों की हवाइयां गुल हो जाती हैं, और दोनों डर कर कहती हैं, अरे गौरी ये तो चुड़ैल है, अब क्या करें? भाग रश्मि भाग, वरना ये चुड़ैल हमें खा जाएगी। जैसे ही वो भागने के लिए फूर्ती करती हैं, तभी चुड़ैल उन्हें आग से घेर कर कहती है, मुझसे बचकर भागना नामुमकिन है। चुड़ैल उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें तांत्रिक के आगे फेंक कर कहती है, ये रहा आपका शिकार। शाबाश मेरी भूतनी, ये कैसी शैतानी जगह है, कहाँ है हम आखिर? ये हम जैसे बुरी शक्तियों की दुनिया है, जिसे भूत लोग कहते हैं।
तांत्रिक उन दोनों की गर्दन काट कर काली विद्या मंत्र उच्चारण करके बलि यज्ञ करते हुए कहता है, अलकाहिम मलखाहिम चंडिका मुंडिका भूत प्रेत आवाहन गुरु स्वाहा। शैतानी हवन कुंड से एक काला साया निकलकर तांत्रिक के अंदर घुस जाता है और तांत्रिक लड़कियों का खून चूसकर खून से लथपथ खोपड़ी शैतान के देवता को चढ़ाते हुए कहता है, शैतान का साम्राज्य अमर रहे। हे काली दुनिया के देवता, मुझे इतनी शक्ति दे मैं इस संसार को अपनी मुट्ठी में कर सकूं। लो मेरी गुलाम भूतनी, शैतान के चढ़ावे के इस प्रसाद को खाकर अपनी भूख मिटा लो। अभी तुम्हें मेरे लिए और मेहनत करनी है। भूखी चुड़ैल उन सारी खोपड़ियों को खा जाती है और लगातार उस तांत्रिक के लिए गांव से लड़कियों का शिकार किया करती। देखते ही देखते एक बार फिर से काली अमावस की रात आती है और तांत्रिक कहता है, मुझे अजर अमर होने के लिए अंतिम दो और कौमारे लड़कियों की बलि देनी होगी। जाओ मेरी गुलाम भूतनी, मेरे लिए शिकार लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। उस रात आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। तेज आंधी तूफान के साथ चुड़ैल जैसे ही गांव की धरती पर कदम रखती है, धरती भूकंप की तरह थरथराने लगती है कि कमला कहती है, अरे ओह करमजली, कहां मर रही है? देख बाहर तूफान उठा है। क्या हुआ दादी माँ? जब देखो आप हमारी माँ को बुरा भला कहती रहती है। लड़कियों की आवाज चुड़ैल के तेज कानों में पड़ने के साथ चुड़ैल कहती है, लगता है अब भी इस गांव में कुंवारी कन्याएं हैं। चुड़ैल उनके घर में घुस आती है और कहती है, तो मेरे कानों ने सही सुना था, तुम कुंवारी लड़कियां मेरी चील वाली नजरों से बचती आ रही थी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम दोनों का राम नाम सत्य। बचाओ माँ, माँ। माँ, घर में चुड़ैल घुस आई है, जल्दी आओ। आवाज सुनकर उनकी माँ जीविका दौड़कर असोरे में आकर कहती है, ए भगवान, ये तो चुड़ैल, इसका मतलब कि यही गांव की लड़कियों की लुटेरल है। लाख चाहने पर भी चुड़ैल के कदम उनको मारने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते और वो भावुक होकर कहती है, ये मेरे दिल में कैसी बेचैनी लग रही है, मैं इन्हें मारने आई हूँ फिर भी मेरे हाथ क्यों कपकपा रहे हैं। इस चुड़ैल का चेहरा तो मेरी बेटी की सूरत से झांक रहा है, कहीं ये भूतनी सालों पहले खोई मेरी बच्ची तो नहीं। जीविका जैसे ही चुड़ैल के हाथों पर देखती है उसे गहरा तिल नजर आता है जो उसके और उसके दोनों बेटियों के हाथों पर भी जन्म से बना होता है। तभी राकेश आकर कहता है, ये नहीं हो सकता। राकेश, मैं जान चुकी हूँ कि ये सालों पहले खोई मेरी ही बच्ची है, इससे पहले कि अपनी बहन के खून की प्यासी बन जाए। कहो। बताता हूँ। जीविका और राकेश की शादी को 10 साल बीत चुके थे। दुर्भाग्यवश उसकी 3 बेटियां थीं और ये जीविका का 4th गर्भ था, जिसे देख उसकी सास कहती है, ये करमजली कलमुही हमारे किस काम की, जो इस घर को चलने वाला एक वंश नहीं दे सकती। माँ जी, बेटा और बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। ये अपशगुनी हर साल हमारे घर पर बेटियों का बोझ बढ़ाई जा रही है, अगर 4th बार भी बेटी हुई तो गांव समाज में हमारे नाम की थू थू हो जाएगी, पहले ही हमारी रत्ती भर की इज्जत नहीं है। दोनों माँ बेटे कमरे में बैठकर कहते हैं, बेटा इस कुलक्षणी के बस की नहीं, हाँ हमारे घर को बेटा देना, इसे पहले की 4th बेटी पैदा करे हम इसका 4th कर देते हैं। आधी रात जब जीविका रसोई घर में सो रही होती है तो दोनों माँ बेटे उसके चारों ओर केरोसिन डालकर कहते हैं, अब जैसे ही आग की लपटे किचन में फैलेंगी तभी इसका राम नाम स्वाहा। दोनों गर्भवती जीविका से पीछा छुड़ाने के लिए रसोई घर में आग लगाकर भाग निकलते हैं, पर खुशकिस्मती से जीविका बच निकलती है और वो कहते हैं, हर बार किस्मत बलवान नहीं होती, इसे मैं रास्ते से हटा कर रहूंगा। चिंता मत कर मेरे लाल, आज मैं सीढ़ियों पर तेल डालकर इसे और इसके दोनों बच्चों का काम तमाम कर दूंगी। क्रूर कमला तड़के सुबह उठकर पूरी सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है, पर गलती से वो खुद ही उस पर गिर पड़ती है और कहती है, हाय रे मेरी कमर, अरे ओ डायन जल्दी आ। माँ जी, आप गिरी कैसे और ये सीढ़ियों पर तेल कैसे गिरा है? ये पक्का तेरी करामात है, तूने मुझसे किसी बात का बदला लेने के लिए जाल बिछाया था। कुछ समय बाद गांव में एक तपस्वी तांत्रिक आता है जो अपनी अंतर साधना से सब कुछ देख सकता था। आडंबर में फंसकर राकेश तांत्रिक के पास आकर कहता है, तांत्रिक बाबा, अपनी अंतरात्मा से देखकर बताइए मेरी बीवी के गर्भ में इस बार लड़की है या लड़का।
बच्चा इस बार भी तेरी बीवी एक बच्ची को जन्म देगी और वो एक भूतिया बच्ची होगी। जब उसका जन्म हो तो उसे मुझे सौंप देना, वरना वो भूतिया बच्ची तेरा घर खा जाएगी। फिर जिस पल राकेश की चौथी बेटी जन्म लेती है, वो बिना किसी को बताए उसको तांत्रिक के हवाले कराता है। इस मूर्ख मानव को नहीं पता कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था ताकि मैं अपना काम साध सकूं। ये ताबीज बांधते ये बच्ची इंसान के अंश से दावंश यानी कि भूतिया बच्ची में बदल जाएगी और मैं इसे कठपुतली बनाकर रखूंगा। मतलब आपने और माँ जी ने मुझसे झूठ बोला था कि मेरी बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। सालों में अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी। माँ मुझसे दूर रहो, मैं एक भूतिया बच्ची हूँ। तो सिर्फ मेरी बच्ची है और मैं कुछ नहीं जानती, ये तावीज कैसा है? माँ इस तावीज को बचपन से उस तांत्रिक ने मेरे हाथों में बांध रखा है, वो इसे कभी भी मुझसे दूर नहीं होने देता। इसे इसी वक्त जलाना होगा। जीविका जैसे ही उस शैतानी ताबीज को जलाती है, चुड़ैल बनी उसकी बच्ची के अंदर से अनेकों काले साए का झुंड निकलकर फूट पड़ता है और दूसरी तरफ वो तांत्रिक और उसका शैतानी साम्राज्य जलकर राख हो जाता है और वो साधारण बच्ची में बदल जाती है और जीविका को सालों के लंबे इंतजार के बाद उसकी खोई बेटी मिल जाती है। तीन सिर वाली भूतिया बेटी। साहिल एक रेस्टोरेंट का स्टाफ मेंबर था। उसकी लेट शिफ्ट रात के 2 बजे खत्म हो चुकी थी। वो घर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में तभी एक खंभे पर बैठी चुड़ैल उसे देखकर कहती है, आखिर मुझे इसका शरीर मिल गया। अब मैं इसके शरीर पर कब्जा करके बहुत मजे करूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उसके शरीर में घुसने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाती, तो कहती है, ये क्या, आखिर मैं इसके शरीर पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रही? कोई बात नहीं, ये ना सही तो इसके घर में किसी और के शरीर में रहूंगी, लेकिन रहूंगी जरूर। ये बोलकर चुड़ैल साहिल का पीछा करते हुए उसके घर में आ जाती है। तभी उसकी 15 साल की बहन रश्मि सो रही थी। उसे सोता देख चुड़ैल उसी वक्त उसके शरीर में अचानक से कब्जा कर लेती है, जिसके बाद रश्मि छटपटा कर बैठ जाती है और लाल आँखों के साथ चिल्लाने लगती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। ऐसा कहकर वो घर में उथल पुथल मचाने लगती है और सारे सामान को तोड़ने लगती है। ये देखकर साहिल और उसके माता पिता डर जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, ये मेरी खून सी बच्ची को क्या हो गया? बेटा ये क्या कर रही है तू? रुक जा, मत कर ऐसा। हाँ बेटा, अचानक से ये तोड़ फोड़ क्यों कर रही है? मार डालूंगी, तुम सबको मार डालूंगी, खा जाऊंगी एक एक को। रश्मि तू ये क्या बोले जा रही है? क्या हो गया तुझे अचानक से? देख मैं हूँ तेरा भाई। कौन है तू? कोई भाई भाई नहीं है मेरा। अच्छा हुआ आज मुझे ये शरीर मिल गया, अब मैं इसी के शरीर में कब्जा करके देखो क्या क्या करती हूँ। ये कहते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी रोते हुए कमला कहती है, कब्जा? साहिल के पापा, ये रश्मि को क्या हो गया? मुझे तो लगता है कि किसी काली चुड़ैल ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है, अब क्या होगा? अरे तुम खामखा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे आपने सुना नहीं, उसने कहा था कि उसने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। माँ बेहतर होगा अभी हम रश्मि के बारे में सोचें। ये बोलते ही साहिल उसे बेड पर सुला देता। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और उसके शरीर में घुसकर क्या हासिल करना चाहती थी? क्या रश्मि पहले जैसी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 हफ्ते बाद रश्मि अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। कभी अकेली बैठकर हंसती तो कभी डरी सहमी रहती। ऐसे ही एक दिन आइसक्रीम वाला आता है, जिसे देखकर रश्मि आइसक्रीम खाने की जिद करती है। तभी उसकी माँ कहती है, नहीं रश्मि, तुम आइसक्रीम नहीं खा सकती, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, भूल गई तुम्हें जुकाम है। तुझे एक बार की मेरी बात समझ नहीं आती? मुझे आइसक्रीम खानी है, जा मुझे ला कर दे। नहीं मैं तुझे खाने नहीं दूंगी। और ये तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये बोलते ही वो चुड़ैल कमला को बाल पकड़कर पटकने लगती है और गुस्से में उस आइसक्रीम वाले को मारकर आइसक्रीम खा जाती। कुछ देर बाद वो बाहर के लोगों को भी परेशान करके उनके घर में भी तोड़ फोड़ करने लगती है। फिर अचानक से शांत होकर चली जाती है। तभी उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है, रश्मि बेटा खाना खा ले। जैसे ही कमला रश्मि को कहती है तो वहाँ उसे बहुत घिनौना नजारा देखने को मिलता है।
वो ये कि उसकी बेटी रश्मि किसी इंसान के हाथ को कच्चा चबाकर खा रही थी, साथ ही उसके तीन सिर हो गए थे। ये देखकर वो चिल्लाती है, रश्मि रश्मि बेटा, ये क्या किया तूने? और तेरे तीन सर कैसे हो गए? हे भगवान, अब क्या होगा मेरी बच्ची का? चली जा, मेरी नजरों के सामने से चली जा, वरना मैं तेरा भी यही हाल करूंगी। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। कभी कभी चुड़ैल उसके शरीर से निकल जाती थी तो रश्मि शांत रहा करती थी, लेकिन चुड़ैल के कब्जा करने पर वो लोगों को नुकसान पहुँचाने लगती है, जिद करने लगती है और उन्हें मार भी दिया करती थी। कमला के घर में डर का माहौल छा जाता है। तभी धीरे धीरे कमला अपने पति सूरज से कहती है, अजी सुनिए, अब मुझे बहुत डर लगने लगा है, हमें अपनी बच्ची को कहीं दिखाना चाहिए। ये चुड़ैल पूरी तरह से हमारी बेटी पर कब्जा करके बैठी है, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो। तुम सही कह रही हो, ऐसा करता हूँ मैं उसे शहर लेकर चलता हूँ पापा के पास, वही बताएंगे, वैसे भी वो इन सब के बारे में जानते हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें शहर चलना चाहिए। अगले दिन ही रश्मि और उसके माता पिता ट्रेन से शहर के लिए निकल जाते हैं। दोनों सहमे हुए उसके साथ थे कि कहीं चुड़ैल उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वहीं भीड़ की वजह से उन्हें कहीं पर सीट नहीं मिलती। तभी रश्मि कहती है, मुझे बैठना है, मुझे सीट चाहिए। ए लड़के, हट जा यहाँ से, मैं बैठूंगी यहाँ। मैं क्यों हटूँ, मेरी सीट आई है, और वैसे भी मैंने इस सीट के लिए टिकट बुक की थी, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ अपनी सीट? नहीं देखा तू, नहीं देखा। ये कहते कहते रश्मि की आंखें लाल हो जाती हैं और तभी उसके माता पिता उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराते हैं। बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में दूसरी सीट मिल जाएगी। कमला के ये बोलते ही वो शांत हो जाती है। रात के समय ट्रेन में सब सो रहे थे। तभी रश्मि अपने तीन सिर वाले चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस लड़के को मार कर कहती है, तू लड़ रहा था ना मुझसे सीट के लिए, अब तो वो इस सीट पर कभी नहीं बैठ पाएगा। ऐसे ही सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उस लड़के को बेरहमी के साथ किसी ने मार डाला। कमला और सूरज जानते थे कि ये सब उसकी बेटी ने चुड़ैल बनकर किया है। कुछ देर बाद तीनों महेश के पास पहुंच जाते हैं। महेश रश्मि का दादा है। वहीं बड़ी चालाकी के साथ कमला और सूरज रश्मि को एक कमरे में बंद करके बैठा देते हैं और अपने पिता महेश से रश्मि के बारे में उसे सब बता देते हैं। पापा, आपको तो इन आत्मा वगैरह के बारे में सब पता है ना, अब आप ही अभी मेरी बेटी को बचा सकते हो। पता नहीं कैसे उस चुड़ैल ने रश्मि पर अपना कब्जा कर लिया है। हाँ पापा जी, बचा लीजिए मेरी बेटी को, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, प्लीज उस चुड़ैल को मेरी बेटी से हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। महेश एक समय तांत्रिक का काम किया करता था। जब उसे अपनी पोती के बारे में दोनों से पता चलता है तो वो कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, वो कितनी भी डरावनी चुड़ैल हो, मैं अपनी पोती रश्मि से उसका पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आज शाम को ही मैं विधि चालू कर दूंगा। शुक्रिया पिताजी। तू पागल है क्या? अरे अपनी पोती के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। शाम को महेश एक कमरे में रश्मि को घेरे में बिठाकर उसे वश में करने की कोशिश करता है और उस पर भस्म डालकर पूछता है, बता तूने ये क्यों किया, क्यों तू रश्मि के शरीर में है? चुड़ैल की बात सुनकर गुस्से में महेश उस पर भस्म डालता है, जिसके बाद वो तिल मिलाते हुए कहती है, बता दियो, अकाल मृत्यु की वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी, जब मैं साहिल के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकी तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया और लोगों को परेशान करने लगी। मेरा समय खत्म हुआ, अब तुझे यहाँ से जाना होगा दुष्ट आत्मा। ये बोलकर महेश कठोर मंत्र के उच्चारण से चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद कर लेता है और उस बोतल को समुद्र के बीचों बीच फेंकवा देता है, जिसके बाद रश्मि ठीक हो जाती है और खुश रहने लगती है। दो चुड़ैल बहनें। शीशगंज गांव की सीमा से 2 कोस दूर एक घनघोर जंगल था। वहां के निवासियों का मानना था कि जंगल के भीतर 2 चुड़ैलों का बसेरा था। वो घटना तब सच्ची जान पड़ी जब एक रात बिरजू जंगल से गुजर रहा था। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। जैसे ही वो आसमान की ओर ताकता है, उसे 2 चुड़ैल आम और इमली के पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है।
अरे ओ मंडोला चुड़ैल, सच बता, मेरे इमली से लदे पेड़ को देखकर तेरा मंडोला ना। अरे जा, मेरे आम के पेड़ के सामने तेरी ये खट्टे इमली के झरोके कुछ भी नहीं। वैसे तेरे आमों का असर तेरे इस मोटली शरीर पर साफ जाहिर हो रहा है। ये सुन मंडोला चुड़ैल अपने उल्टे पांव से पेड़ से छलांग लगाकर डोला के बाल पकड़कर कहती है, आज मैं तो चुड़ैल को सजनी से गजनी बना डालूंगी। तुझे मुझसे पंगे लेने की आदत ही खत्म कर दूंगी। तूने मेरे बालों को छुआ, अब मैं तेरी खाल उधेड़ डालूंगी। दोनों चुड़ैलों को बाल नोचकर ऐसे लड़ता देख बिरजू की आंखें फटी और उसके मुंह से चीख निकल जाती है, बचाओ। दोनों चुड़ैल मुंडी घुमाकर उसे एक टक निहारने लगती हैं। तभी वो सरपट से गांव की ओर भागता है। मंदबुद्धि चुड़ैल, तेरे कारण वो हम चुड़ैलों के भिड़ंत का लुत्फ उठाकर भाग गया। बिरजू पूरे गांव के सामने दोनों चुड़ैलों का भेद खोल देता है, जिसके बाद सभी जन जंगल से आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। पर एक रात हरीश नशे में झूमता हुआ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी दोनों चुड़ैल को उसकी आहट सुनाई पड़ती है और वो तेज रफ्तार से पेड़ों से कूदकर उसको दबोच कर कहती है, छोड़ दे इसे, ये मेरा शिकार है। इस पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, लेकिन निशाना मैंने लगाया था। ये मेरा शिकार है, इसे तो मैं ही खाऊंगी। दोनों चुड़ैल उस आदमी के हाथ पांव खींचने लगती हैं। तभी हरीश का नशा फटता है। अरे मैया रे, मर गया रे, अरे कोनो बचाओ हमका, अरे हमरा करेजा डर से एकदम से तेज धड़कन है। चिंता मत कर, अभी मैं तेरा दर्द मिटा दूंगी। मुझे इंसान का कुर्दा कलेजा खाना बड़ा पसंद है। मंडोला चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर डोला चुड़ैल को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, क्या हुआ, एक ही थप्पड़ में झाई आ गई मेरी चिरमखी चुड़ैल को। तेरी ये मजाल, जो तूने मुझे सूता और मुझे चिमरखी कहा, जंगल की बोझ। दोनों चुड़ैल विशाल रूप धरकर पहलवानों की नाई लड़ने लगती है, जिससे जंगल का मंजर एकदम तूफानी हो जाता है। यही सही मौका है इन चुड़ैल के जंगल से भागने का, खिसक ले हरीश। हरीश को भागता देख दोनों चुड़ैल उसे घेर कर कहती हैं, मंदबुद्धि चुड़ैल, आज तेरी बेवकूफी के कारण ये शिकार हमारे हाथों से बचकर भाग जाता। मैं मंदबुद्धि हूँ तो तू कौन सा एल्बर्ट आइंस्टाइन है। दोनों चुड़ैल उसको मारकर उसकी खोपड़ी और दिल निकाल कर चाव से खाती हुई अपनी भूख मिटाती है। सवेरे हरीश की कटी पिटी लाश जंगल के बाहर पड़ी लोगों को दिखाई पड़ती है। अरे किस कसाई ने मेरे लाल के इतने टुकड़े किए हैं। हरीश की मौत के पीछे उन दोनों नरभक्षी चुड़ैलों का ही हाथ है। आग लगे उन चुड़ैलों को, कीड़े पड़े, मैयत निकलेगा उनका। हर दिन के साथ उन चुड़ैलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, अब क्या होगा। लाख सोच विचार के बाद भी कोई भी जन चुड़ैलों के खात्मे का हल नहीं खोज पाता। तभी आधी रात आसमान बरसने वाले काले बादलों से घिर आता है और झमाझम बरसात शुरू होती है। आम के डाल पर सो रही मंडोला चुड़ैल को देख डोला चुड़ैल कहती है, अरे ये चुड़ैल है या कुंभकर्ण, इसके खर्राटों की गूंज मेरे कान में शोर कर रही है। चुड़ैल अपने बालों की चोटी आगे बढ़ाकर मंडोला को खूब सताती है। तभी वो उठ खड़ी होती है। बिना एक टक्कर किए तुझ सड़ी खोपड़ी वाली चुड़ैल को चैन नहीं पड़ता क्या? जागने का इतना शौक है तो चमगादड़ की टोली में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? तेरे मुंह की सड़न से पूरे जंगल की हवा दूषित हो गई है, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुझे परेशान किया जाए। जंगल में जोरदार आंधी उठती है और बरसात की फुहार बरसती है। अरे ओ मंडोला, चल सभी रंजिश भुलाकर नाचते हैं, देखना मौसम कितना बेईमान है। नाच 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 मेरी चुड़ैल, नाचना क्या हुआ।
तेरे उल्टे पैर क्यों नहीं तिरक रहे? अरे मैंने यहाँ सुर संग्राम की मंडली नहीं खोली दुबिनाज। मुझे तो जैसी चिमर की चुड़ैल के संग ना दिन दिना नहीं करना। साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुझ छलायान चुड़ैल को नाचना आता ही नहीं? तूने मुझे ललकारा, आज मैं नाच नाच कर फ्लोर तो क्या ब्रह्मांड हिला कर रख दूंगी। दोनों चुड़ैल नाचती हुई जंगल को पार करके गांव आ पहुंचती हैं और उनके नाच से पूरा गांव बेकाबू होकर हिलने लगता है और तबाही मच जाती है। झगड़ते हुए जंगल वापस लौट आती है। सवेरे पूरा गांव बाबा के पास आता है। तो आखिर वो आतंकी चुड़ैल तुम्हारे गांव में दस्तक देने ही लगी? बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, कल उन दोनों चुड़ैल ने गांव में रात भर मौत का नाच नाचा है। अरे उनके कारण हमारे जान माल को बड़ी हानि हुई है। बाबा अंतर्ध्यान होकर उन चुड़ैल की पूरी दास्तान से वाकिफ होकर कहते हैं, उन चुड़ैलों के बीच रक्त बंधन बंधा है, वो सगी बहने हैं। फुलवा अपनी बेटियों मंडोला और डोला के संग रहती थी। जहाँ मंडोला एकदम काली भद्दी थी तो वहीं डोला एकदम गोरी सुंदर थी। रूप के कारण दोनों बहनों के बीच 36 का आंकड़ा था। आईने के सामने खड़ी डोला कहती है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आ गई चुड़ाकली अपना ही अमावस का काला चेहरा लिए। तूने मेरी खिल्ली उड़ाई, रुक आज मैं तेरी गोरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। दोनों बहनें दूसरे के बाल पकड़कर झगड़ने लगती हैं। तभी उनकी माँ फुलवत झगड़ा छुड़ाते हुए कहती है, आज फिर तुम दोनों सवेरे सवेरे ही महाभारत लेकर उठ गई। एक दिन कटकर मर जाओगी तुम बहनें। माँ इसने फिर मेरी काली सूरत का मजाक बनाया। माँ इस चलोकड़ी ने मेरे बाल नोचे, कोयले की खदान है तू। दोनों गुस्से से बुदबुदाते हुए स्कूल निकल पड़ती हैं। फिर एक रोज दोनों स्कूल से घर आती हैं। तभी डोला उसे छेड़ते हुए कहती है, जल गया मुझसे कोई जल गया तो फिर जलने दे अपना ये गज भर का जुबान बंद कर डोला, वरना मैं तुझे यही ढेर कर दूंगी। अरे तू ये कड़वा सच मान क्यों नहीं लेती कि तू मेरी नजर उतारने का काला टीका है? ये सुनकर मंडोला बौखलाकर सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर मार देती है और दोनों सड़क के बीचों बीच लड़ने लगते हैं। तभी तेजी से बढ़ रही एक गाड़ी उन्हें कुचलकर 9-2-11 हो जाती है और वो वहीं मर जाती है। बाबा कोई तो उपाय होगा जिससे उन चुड़ैल बहनों से पीछा छूटे। वो चुड़ैल एक दूसरे को अपनी मौत का जिम्मेदार मानती है, उन्हें सिर्फ उनकी जननी ही मुक्ति दिला सकती है। सभी जन लौटकर गांव फुलवती का घर खोजकर उसे साथ लिए रात के अंधेरे में मशाल लेकर जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं। डोला मंडोला सामने आओ, देखो तुम्हारी माँ तुमसे मिलने आई है। दोनों चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। तुम आ गई, तुम्हें पता है बोला के चलते मैं मर गई। नहीं माँ, इस हत्यार ने मेरा खून किया है, ये झूठी है मक्कार है। तुम्हारे नफरत और झगड़े के चलते आज तुम क्या से क्या बन चुकी हो, अब तो ये बैर ये रंजिश भूल जाओ मेरी बच्चियों। माँ तुम रो मत, हम तुम्हें रोते बिलखते नहीं देख सकते। मंडोला सारी गलती मेरी थी, हमारे चलते माँ आज एकदम अकेली पड़ चुकी है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाओ। दोनों चुड़ैल आंसू बहाकर पछतावा जाहिर करती हुई गले लगती है कि अचानक आसमान से एक तेज लौ उन्हें घेर लेती है और चुड़ैल हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इस तरह गांव एक बार फिर बेखौफ होकर जीने लगता है। चुड़ैल का भूतिया अंडा और बच्चा। एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे में घनघोर जंगल के बीचों बीच बैठी हुई शैतानी हवन यज्ञ को अंजाम दे रही थी। कामिनी पिशाचिनी स्वरक्त सर्वनाशिनी भूत प्रेत मोहिनी शैतान की सुरागिनी, ए शैतानों के बादशाह अपनी इस चुड़ैल भक्त की पुकार सुनो। चुड़ैल की आंखों के एकदम सामने एक बरगद का बंजर पेड़ था। उस पेड़ से बंधी एक मुर्गी काफी तड़प में पंख फड़फड़ा रही थी और कुकड़ू कू की शोर मचा रही थी। मूर्ख मुर्गी तेरी इस कुकड़ कू के शोर मेरे कानों में चुभ रहे हैं,
अगर मुझे तुझसे मतलब ना साधना होता तो इसी वक्त तेरा चिकन तंदूरी बनाकर अपना पेट भर चुकी होती। चुड़ैल की आंखों से एक बिजली की लौ चमक उठती है जो मुर्गी के गले के कांकल को बांध देती है। फिर चुड़ैल शैतानी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में अपने खून की आहुति देती है कि अचानक मौसम का रुख भयानक हो जाता है। पूरा जंगल बेडौल होकर हिलने डुलने लगता है। शैतान का साम्राज्य अमर रहे। पाताल को चीरते हुए एक राक्षस जंगल की जमीन पर कदम रखता है। तुम्हारी भक्ति से मैं पाताल देव अभिरास हूँ, बेहद प्रसन्न हो उठा हूँ। क्या मांग है तुम्हारी? मैं गर्भवती हूँ, मगर अब जो मैं एक चुड़ैल हूँ इस कारण मैं अपने बच्चे को अपने शरीर से जन्म नहीं दे सकती। महाराज, मैं अपने शिशु को जन्म देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भूतिया बच्चे से इस गांव में संग्राम मचा सकूं। ठीक है, अगर उसके खातिर मुझे तुम्हारे और इस मुर्गी के बीच एक रक्त बंधन कायम करना होगा जिससे कि तुम्हारे भूतिया गर्भ के भीतर पल रहा अंश इस मुर्गी के गर्भाशय में अंडा बनकर जा बसेगा और जब वो अंडा परिपक्व होकर टूटेगा तो उस पल जलजले उठेंगे, सैलाब आएगा, क्योंकि उसके साथ आएगा इस दुनिया में तबाही भूतिया बच्चा। मगर अगर मेरे भूतिया बच्चे का परिचय पता चल गया तो? इसका भी पुख्ता प्रबंध कर दूंगा। उस भूतिया बच्चे के 3 नेत्र होंगे जिसे ये मूर्ख मनुष्य उसे शिव का अंश समझ बैठेंगे और फिर एक एक इंसान उस भूतिया बच्चे के मुंह का कौर बनेगा। वो राक्षस अपने हाथ हवा में फैलाता है जिसके साथ चुड़ैल के गर्भ से निकलने वाली तेज चमक मुर्गी के भीतर जाकर समा जाती है। राक्षस उसी क्षण गायब हो जाता है। तभी मुर्गी एक विशाल बड़े अंडे को जन्म देती है जिसके भीतर से एक बच्चे की आवाज आती है। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आजा मेरे लाल, अपनी चुड़ैल माँ की पुकार सुन, कोशिश कर, बाहर आ। विशाल अंडे में बसा भूतिया बच्चा ताबड़तोड़ तबाही मचाकर बाहर आता है। उस रात आसमान वीरान पड़ा था। उस भूतिया बच्चे के दानव से हाथ पैर, राक्षस से कान और 3 आंखें जिनके भीतर से खून टपक रहा था। तो आखिर खून ने खून को पुकार ही लिया, जा और अब अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। भूतिया बच्चा हाहाकार मचाते हुए मलमलिया गांव में प्रवेश करता है। खिड़कियों के खड़कने के तेज शोर से गहरी नींद में सो रही ममता की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, प्रकृति का ऐसा भयंकर मंजर जाने किस तूफान का पैगाम है। आज से पहले मलमलिया गांव में इतनी बड़ी तूफानी लहर कभी नहीं उठी। भूतिया बच्चा छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करता है। अरे, इतनी जोर शोर से किसका बच्चा भी लग रहा है। वो जैसे ही फाटक खोलती है तो भूतिया बच्चा उसकी चौखट पर बैठा होता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो झट से बच्चे को गोदी में उठाकर उसे सहलाती है। अरे, ये तो त्रिनेत्री बच्चा है, लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो बच्चे को अंदर लाकर अपने पति को जगाकर उसे सारी वारदात बताती है। अरे ममता, शायद इसी बच्चे के लिए ईश्वर ने आज तक हमें बेऔलाद रखा था। किसी को भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि भूतिया बच्चा आगे क्या आतंक मचाने वाला था। सभी को यही लग रहा था कि ये बच्चा वरदानी है। आधी रात के 3 बजने को थे कि भूतिया बच्चा आंख खोलता है। मुझे जल्द से जल्द अपने मकसद को पूरा करना होगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालूंगा। भूतिया बच्चा बंद दरवाजे से पारदर्शी होकर बबीता के घर में घुस जाता है। बबीता का पति एक किसान था जो रात को खेतों की देखभाल के कारण घर से ओझल रहता था। इस मौके का फायदा उठाकर भूतिया बच्चा वहां आ धमकता है और उसके कान के पास रोने लगता है। बबीता झट से उठ खड़ी होती है। अरे, ये अचानक आधी रात को बच्चे की किलकारी कहां गूंज रही है? तेरे बगल में बबीता। भूतिया बच्चे की डरावनी सूरत देखकर बबीता जोर से चीख पड़ती है जिसे देख भूतिया बच्चा छत से चिपक जाता है। आ, बचाओ, अरे गांव वालों दौड़ो। क्यों, बच्चे की जान लेने पर तुली है, तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, मैं भूखा हूँ। अरे भूखा है तो जाकर दूध पीना। आदम खोर, मेरी जान लेने पर क्यों उतारू हुआ है, मुझे तेरा गर्मा गर्म खून पीना है। अगले ही पल भूतिया बच्चा बबीता पर झपट पड़ता है और उसे मारकर उसका सारा खून चूस जाता है। कुछ पल बाद
जाने किस जंगली जानवर ने बबीता को अपना आहार बनाया है। शीलखा का शक उसी भूतिया बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। जाने क्यों इस बच्चे से मुझे शैतानी शक्तियों की बू आती है। इस बच्चे में कुछ तो ऐसा है जो एकदम अलग है। शीलखा खिड़की से ताक रही थी कि तभी भूतिया बच्चा भयानक अवतार में बाहर आता है। पूरा गांव नींद के आगोश में है, मुझे इस पल का फायदा उठाकर अगला शिकार खोजना होगा। जैसे ही भूतिया बच्चा आकाश की ओर ताकता है तो पंछी नीचे गिरते हैं। वो आदमखोर उन पक्षियों का मांस खाने लगता है। ये देख शीलखा चकाचौंध रह जाती है। पूरा गांव खतरे में है, मुझे इस भूतिया बच्चे का रहस्य सभी को बताना होगा। शीलखा दबे पांव घर से निकलने की कोशिश करती है कि भूतिया बच्चा उसे आगे से आ घेरता है। कहाँ जा रही है, मेरा सच सभी को बताने। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। भूतिया बच्चा उसकी खोपड़ी उखाड़ कर अपना पेट भर देता है और उसके कटे हुए शव को जमीन के बीचों बीच गाड़ देता है और सवेरा होने से पहले घर में आकर सो जाता है। अरे आखिर कौन है वो जो हर दिन हमारे गांव में लोगों की लाशें बिछा रहा है। गुजरते हर एक दिन के साथ मलमलिया गांव के एक इंसान की जान जा रही थी। वो धीरे धीरे गांव के निवासियों का शक की निगाह उस भूतिया बच्चे पर थी। बलबीर, ममता, गांव ये मानता है कि लोगों की रहस्यमय मौत के पीछे तुम्हारे बच्चे का हाथ है। ये बच्चा हमारे गांव के खातिर श्राप है। रौनक भाई जी, आप यहाँ के प्रधान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेसुबान बच्चे पर हत्या का आरोप लगाएं। और फिर एक दुधमुहा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है। जिस किसी की भी मौत हुई है उन्हें शव के इर्द गिर्द एक नवजात बच्चे के कदमों के छाप मिले हैं। इस गाँव में सैकड़ों बच्चे हैं, आप अकेले मेरे ही बच्चे पर लांछन क्यों लगा रहे हैं। अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं तो चलो चंद्रशेखर तांत्रिक के पास, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी झुंड बनाकर तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक अपनी साध्य शक्तियों से भूतिया बच्चे को बंधक बना लेता है। इस भूतिया बच्चे का अस्तित्व मिटाना है, इसकी चुड़ैल माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा। खून खून की पुकार सुनकर यहाँ जरूर आएगा। उसी वक्त चुड़ैल वहाँ हाहाकार मचाती हुई आकर कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को तांत्रिक, वरना तेरे डेरे को लहूलुहान कर दूंगी। धूर्त चुड़ैल, मैं तेरे इरादे जान चुका हूँ। तू अपने ही औलाद को प्यादा बनाकर उसके हाथ ही इंसानियत का नाश कर रही है, ताकि तू इस गांव पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। हाँ, जो भी मेरे बीच आएगा मेरा भूतिया बच्चा उसे अपना कौर बना लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुझ आत्मा की परमात्मा की ज्वाला से कोई नहीं बचाएगा। जय शिव शंकर। तांत्रिक शातिरता से चुड़ैल पर शिव की भभूति का छिड़काव करता है, जिसके साथ चुड़ैल का अंश भूतिया बच्चा ज्वाला बनकर फूट जाता है और चुड़ैल की भी मौत हो जाती है। इस तरह शैतान पर भगवान की जीत होती है।